IPL 2022 में इस साल कई भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमाल करके दिखाया है, जिसमें अधिकतर युवा तेज गेंदबाजों का नाम शामिल है। लेकिन इस सीजन जिस तेज गेंदबाज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो उमरान मलिक हैं, जिन्होंने इस सीजन न केवल ढेरों विकेट निकाली हैं, बल्कि IPL इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद डालने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। उमरान की तारीफ बड़े से बड़ा दिग्गज कर चुका है, लेकिन अब उमरान को लेकर भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपना बयान जारी करते हुए उमरान की गति पर बड़ी बात कही है। IPL 2022 में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकी है, जिस पर शमी ने कहा कि उमरान मलिक के पास स्पीड है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरी राय ले तो मैं स्पीड का इतना बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। अगर आप 140 पर गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ ही आप गेंद को दोनों तरफ घुमा देते हैं, तो ये किसी भी बल्लेबाज के लिए काफी है। उमरान के पास स्पीड है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे परिपक्व होने में थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि स्पीड के साथ गेंदबाजी को भी सटीकता पर काम करने की जरूरत है। शमी की बात से इत्तेफाक रखना होगा, क्योंकि उमरान को इस सीजन काफी मार भी पड़ी है, जहां उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अपने 4 ओवर में 52 रन खर्च दिए थे। इसके अलावा भी उमरान मलिक को कई बार एक ओवर में 20 से ज्यादा रन पड़े हैं, और उन्होंने अपने 4 ओवर में कई बार 40 से ज्यादा रन खर्च किए हैं, जो ये बताता है कि सिर्फ गति ही उमरान मलिक को बड़ा गेंदबाज नहीं बनाएगी, उन्हें गति के साथ साथ अपनी लाइन और लेंथ पर भी काम करना होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।